वेलकम बैक टू फ्रेंड्स SNI टेक्नोलॉजी। SNI टेक्नोलॉजी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज हम सीखने वाला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, एक्सेल के शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है, एक्सेल के शीट में होम टैब के स्टाइल ग्रुप में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाता है, जिसमें हाईलाइट सेल, रूल, टॉप टू बटन, इस तरह से आपका बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जिसमें से फ्रेंड्स इस वीडियो में हम सीखेंगे हाईलाइट सेल रूल के बारे में। उसमें जितने सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू और टेक्स्ट कॉलम, ए कलर, ए डाटा अक्यूरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, जितने सारे टॉपिक होते हैं वो सारे को आज हम सीखने वाले हैं हाईलाइट सेल रूल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। जितने सारे रूल्स होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट देन, कंटेंट, एक डाटा अक्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू को हम अप्लाई करके देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें उस एरिया को सेलेक्ट कर लेना पड़ता है जिसमें हम कंडीशनल लगाने वाले हैं। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और उसके बाद हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे और ग्रेटर देन में लिखेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पे 5 लिख देखते हैं, हमने जो भी सेलेक्ट किया उसमें 5 से जो बड़ा है वो सारे को हाईलाइट कर दे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 5 से जितने भी बड़ा है 6, 7, 8, 9 उसको हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह फ्रेंड्स ग्रेटर देन, लेस देन को अब करेंगे, सेम वहीं पे जाएंगे और लेस देन में जाएंगे। और हम चाहते हैं कि 5 से जितने सारे लेस देन हैं वो सारे कलर में फॉर्मेटिंग हो जाए येलो कलर में। तो इसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स जितने भी 5 से नीचे में है, यानी लेस देन 5 है, वो सारे येलो कलर में कलर हो चुके हैं। इस तरह से आप कोई भी कलर को फॉर्मेटिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे बिटवीन टू हम मान लेते हैं 5 to 8 के बिटवीन में जितने सारे नंबर्स आते हैं सबको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल में जाके बिटवीन में जा करके आप उसको दो नंबर लिख दें जिसके जिसके बीच में आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो और उसके बाद अपना फॉर्मेट चॉइस कर लें किस कलर से आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। उसके बाद ओके कर दें और आप देख सकते हैं 5 और 8 बिटवीन है वो कलर हो चुका है, यानी फॉर्मेट पेंटर हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स इक्वल टू आता है, इक्वल टू भी सेम प्रोसेस से वहीं पे जाएं और इक्वल टू में जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो इंटर करें और ओके करें। तो आप देख सकते हैं जैसे इक्वल टू 5 है तो 5 हमारा सेल कलर हो चुका है। इस तरह टेक्स्ट कंटेंट्स, इसमें होता है कि फ्रेंड्स मान लीजिए आप जिस एरिया को सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद उसमें जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा। इसमें तो फ्रेंड्स नॉर्मली मान लीजिए हम जैसे 1 लिखते हैं तो ये 1 सेल को हाईलाइट कर देगा, 2 लिखते हैं तो 2 सेल को हाईलाइट कर देगा। ये जनरली टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए किसी का नाम हाईलाइट करना पड़ता है। अच्छा अच्छा शीट में आगे हम बताने वाले हैं, एक डाटा एंट्री का टॉपिक लेंगे, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट वगैरह होगा, उसमें हम इसका बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग बताने वाले हैं। उसके बाद आता है कि फ्रेंड्स डेट ऑक्यूरिंग, डेट ओक्यूरिंग में फ्रेंड्स होता है कि जैसे कि आपका बहुत सारे डेट लिखा हुआ है उसमें आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए टुमरो, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ये सारे फॉर्मेट उसमें मिल जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यस्टरडे, टुडे, टुमरो, द वीक, लास्ट वीक, द मंथ, इस तरह से जितने भी सारे डेट, जो भी सारे डेट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो सारे डेट हाईलाइट हो जाएंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये वाले सेल को द लास्ट 7 डेज जैसे आप देख सकते हैं हाईलाइट हो रहा है, द नेक्स्ट मंथ कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ हाईलाइट हो रहा है। इस तरह से आपको जो जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से आप इसको एंटर करें और इसको फॉर्मेट क्रिएट करें और अप्लाई कर दें तो आपका वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल होता है। उसमें भी बस आपको सेलेक्ट करना पड़ता है एरिया को और उसके बाद उसमें आपको जो डुप्लीकेट वैल्यू में जाकर बस क्लिक करके एंटर कर देना होता है। और ये डुप्लीकेट और यूनिक दोनों को सेलेक्ट करता है। यूनिक में फ्रेंड्स जैसे कि जिसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होता है, डुप्लीकेट में फ्रेंड्स जैसे जो डुप्लीकेट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक भी डुप्लीकेट नहीं है, यहाँ पे हम मान लीजिए 4, 2 वो लिख देते तो आप देख सकते हैं दोनों में जहाँ 4 है वो दोनों हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ भी फिर से हम करके दिखा दे रहे हैं, जैसे कि फ्रेंड्स मान लीजिए इस सेल में हमारा कोई डुप्लीकेट नहीं है, फिर से अगर हम डुप्लीकेट एंटर कर देते हैं तो हमारा डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे 2 को 1 लिख दिए तो वहाँ पर देख सकते हैं दोनों हाईलाइट हो चुका है। इस तरह से फ्रेंड्स आगे के वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस के बारे में बताने वाले हैं। तो आगे यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हाईलाइट सेल के सभी ऑप्शंस के साथ।